आपको बताने जा रहा हूँ बेहरिंगर के उस मिक्सर के बारे में, जो कि मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा कि यामा से जो MGP सीरीज है उसी के सिमिलर कोई अगर मिक्सर मुझसे कोई पूछे तो मैं सजेस्ट करूँगा बेहरिंगर का जीनेक्स UFX 1604 मिक्सर। दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा मिक्सिंग कंसोल है और आई थिंक उसमें ये सारे फीचर इस मिक्सर में मिल जाते हैं जो एक एनालॉग मिक्सर में होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस मिक्सर को एक बार पहले क्लोज लुक देख लीजिए और उसके बाद में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। बोलते हुए दिखा अब तो नहीं दिखा है ना। फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अगर मैं माइक्रोफोन्स की बात करूं तो 8 माइक्रोफोन प्री एम्पलीफायर आपको मिल जाता है और इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें इसमें तो लाइन इनपुट अलग से आपको मिल जाता है। कुल मिलाकर 16 चैनल का ये मिक्सर है फ्रेंड्स। और अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं, ऑडियो क्वालिटी तो बहुत सुपर है। फिलहाल मैं इसे आपको बजाकर नहीं सुना सकता, ठीक है ना, जैसा कि नॉर्मली सभी मिक्सर्स में होता है। गेन इसमें दिया हुआ है, कंप्रेशर का एडिशनल फीचर है जो कि यामाहा में होता है, ठीक है। ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी है, इसके बाद हाई मिड का फ्रिक्वेंसी है और हाई मिड के साथ उसका फ्रिक्वेंसी है। वैसे लो का भी तीनों फ्रिक्वेंसी इन्होंने दिया हुआ है। ये एक काफ़ी अच्छा पार्ट है इसका, ठीक है ना। यानी कि आप तो लो फ्रिक्वेंसी तो आप सेट कर ही रहे हैं, प्लस लो मिड का कौन सा फ्रिक्वेंसी आप सेट करेंगे ये उसके लिए एडिशनल फीचर है वॉइस के लिए। इससे आप विसिल का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। 4 ऑक्सिलरी आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ तो पर्टिकुलर हर चैनल को आप उसका जो लेवल है वो मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ से, एक डिजिटल मिक्सर की तरह, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से आप 16 ट्रैक, आई थिंक हाँ 16 ट्रैक मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप USB के थ्रू अपने USB में स्टोरेज भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ये मेन मिक्सर, ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं इसका एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ आज, और बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो आप देखते हैं। कुछ एक चीज़ें एडिशनल हैं, इसमें मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरे मिक्सरों में आई थिंक केवल स्टीरियो रिकॉर्डिंग होती है, इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें मल्टी चैनल रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसमें ऐसा नहीं है, आउटपुट के लिए लेयरिंग नहीं दी गई है, मेन मिक्स आउट ही दिया गया है। अगर आपको इसमें कुछ लेयरिंग वगैरह करनी हो तो क्रॉसओवर लगाना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई थिंक ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद जरूर आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।